चौदासो तिहेतरे और नौमी सुध आषाढ़ देपने ब्याही करन ला मेहा मन रीका सांसारिक सुख भोगने सांसारिक सुख भोगने और है नहीं बपूरे हमार वंश वृद्धित जो तहो करो भगनी स्वीकार। चौदह सौ तिहत्तर विक्रमी संवत माँ जगदम्बा लगभग 29 साल रहा बीटेम जन करणी जी खुद 1473 नौमी शुद्ध आषाढ़ आषाढ़ सुधी नम जकिन बस सुनम बोलिया करार जुलाई में आवे बालक भगत जून जुलाई में आया करें बिल्कुल जकिन कई सूरज निम बोले कई सुनिम बोले सुनिम रो जगदम्बारी शादी वीडियो है 1473 नौमी शुद्ध आषाढ़ देपे ने ब्याही करन लार मेहा मंदरी काट मेहोजी मंदरी काट ने वाजे मां जगदम्बा देपो जी ब्याह करे और ब्याह करते मां जगदम्बा नव दुर्गा रो रूप दर्शावे बाने और काई केवे सांसारिक सुख भोगने वाजे है नहीं बपू हमार बपू क्या करे शरीर ने मेरा शरीर सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं है और वंश वृद्धित जो चाहो तो करो भगनी स्वीकार। अगर वंश की वृद्धि चाहिए तो बहन ने स्वीकार करो माँ जगदम्बा पिंटे भी गुलाब भाई ने प्रणावे और गुलाब भाई रे चार लड़का हुए लाखन जी पूनो जी नरसी जी और शियो जी जगह चार नाम माते देशनों में चार बास है और चारों बासा में अलग अलग बारी आवे हर महीने हर चौथे महीने बास री बारी आ जावे। ए ब्यावरा दो दुआ हा और दो दुआ है करनी जी जन्मरा और देवलोक हुए जिद्रा चवदासो तम्माढ़वे और सातम सुकरवार आसोज मास उजाड़ पख मा आयलियो अवता वर्ष 150 मास छे दिन ऊपर ला दो जगदम्बा करनी अठे जगत सुधारण जो 1595 और चेत सुकल गुरुनम देवी सागी देह सुमा पहुंचा जोत परम 1494 सातम शुक्रवार आसोज मास उजाल पख मा आय लियो अवतार विक्रमी संवत 1444 सातम और शुक्रवार आसोज रो महीनो माँ जगदम्बा जन्म हुए वर्ष 150 मास छे 150 साल 6 महीना और 2 दिन माँ जगदम्बा शरीर हुई आई धरती माते वर्ष 150 मास छे दिन ऊपरला दो जगदम्बा जननी अठेर जगत सुधारण जोय 1595 चेत सुगल गुरु नम देवी सागी देश और पहुंचा जोत परम बहुत चेत हो और आशा आसोज में जन्मिया और चैत्र में देवलोक सातम ईर अठे नम है मतलब 150 साल 6 महीना और 2 दिन मां जगदम्बा शरीर हो रहा तो चिरदा है जगदम्बा शेखो जी ने किया लावे एक एक बोल सुनने लायक है शेखे ने लाई शेखे ने लाई मूल तान से धवली हो धाई शेख ने जलाई मां मुल्तान से धवली हो धाई मां मुल्तान
चढ़ी हो, देखो राव माँ सिंध पर चढ़ी हो, करण लूट कटकाई हमे मैया, करण लूट कटकाई मुगला पकड़ भूपने ताड़ो, मुगला पकड़ भूपने ताड़ो, मेलो केदरे माई जब लियो दाई, आजी अमे मा दबली हो दाई, देखे ने जालाई मा मुल्तान से। जगदम धरने जाई अम्बे मैया, करनी रे शरणे बैनर जारे बीस बुजाड़ी, बैनर जारे बीस बुजाड़ी, बड़े कैद में भाई दीदव ली हो दाई, आधी बली हो कंवरी बगसो, बीके ने रंग कंवरी बगसो, खाने बात भुलाई भावग, खाने बात भुलाई सवली रूप मा आप निज सजी हो, सवली रूप मा आप निज सजी हो, गहने पंत पाई दब दबली हो दाई, देखे ने गालाई मामुल सेवरा देवे, देखो हाथ सेवरा देवे, अवल वक्त ले आई अमेरा, अवल वक्त ले दोहन दान मा राजरे सरणे,
शीतला मात की दबली हो धाई शेखो जी ने जालाई माँ मुल्तान से। दबली क्यों के हो है दबली माँ जगदम्बा धोड़े रूप में जावे इरवास्ते मारो दबली नाम दे रहे समली कह कर आप लेकिन दबली कभी दबली उपमा दिए क्योंकि धोड़े रूप में जावे माँ जगदम्बा। एक ही रात में माँ जगदम्बा दो बार चील बने एक बार छोटड़ी गाया पहुंचावे शंपू भाई सारी और शेखो जी ने लावे। तो दबली हुई धाई शेखे जी ने जा लाई माँ मुल्तान से। कवि री पहचान कट हुए कवि दबली हुई धाई दबली रो धाई रो शेखे ने जा लाई माँ मुल्तान से। शेख रो शेर वापिस लारे से बैण सगाई अलंकार मात्रा ऐसे चीजों का ध्यान रखे जाने वो है कवि। दबली हुई धाई शेखे जी ने जा लाई माँ मुल्तान से। शेखो राव सिंध पर चढ़ियो अब कई लोग अशुद्ध बोले शेखो राव सिंह पर चढ़ियो शेखो राव सिंह मत कान चढ़ियो शेखो राव सिंध पर चढ़ियो सिंध पर चढ़े करी मतलब लूटपाट करने वाले। शेखो राव सिंध पर चढ़ियो एर कर्ण लूट कटकाई मुगला पकड़ भूपने ताड़ियो और मेलियो केदरे माई। दबली हुई धाई शेखो जी ने जा लाई माँ मुल्तान से। अब कैद कर ले जड़े शेखो जी की पत्नी जकार कहे विनती करी है शेख वधू ने अरे जगदम्ब शरणे जाई बैनड़ जारे 20 बुजाली बड़ी कैद में भाई के भाई थार जड़ी बैन है शेखो जी ने शेखो जी बैन मानता मां जगदम्बा ने बैनड़ जारे 20 बुजाली बड़ी कैद में भाई दबली हुई धाई शेखो जी ने जा लाई माँ मुल्तान से। जद माँ करणी जी श्रीमुख कहे बीके ने रंग कंवरी बगसो रंग कंवरी मारी पुत्री के बीके ने रंग कंवरी बगसो और थाने बाद भोलाई ओ भावज थाने बाद भोलाई संवली रूप आप निज सजी और गहने पंथ पठाई। दबली हुई धाई शेखो जी ने जालाई माँ मुल्तान से। माँ जगदम्बा ठेराऊ पहली शेखो जी ने लिया वे शेखो हाथ सेवरा दीना अवल बखत ले आई सोहनदान राज रे शरणे राखे शीश नवाई जी। दबली हुई दाई शेखो जी ने जालाई माँ मुल्तान से। बोल कर ला मात की होगी चार चीजें होगी एक पांच ही बोल दो फिर दे दी।